अस्सलामुअलैकुम, मैं हुसैना आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बताऊँगी आपको कोलेजन सीरम कैसे बनाना है। तो उसके लिए पहले मैं बता देती हूँ कोलेजन क्या होता है। कोलेजन हमारी स्किन टिश्यूज़ को बाइंड करके रखता है और ये हमारी स्किन को टाइट दिखाता है और एज के साथ ये कम होता जाता है। तो हमें कुछ अच्छे से कोलेजन ग्राइंड की ज़रूरत पड़ती है और क्रीम्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कोलेजन को वापस से बूस्ट कर सकें और जो हमारी स्किन सैग करने लगती है वो भी ठीक हो जाए और रिंकल्स भी कम हो जाए। तो उसके लिए मैंने अलसी और बादाम को 6 बादाम लिए हैं और 2 चम्मच अलसी को पीसी भी अलसी हो तो पीसी भी ले सकते हैं और अगर आपके पास साबुत हो तो वो ले सकते हैं। रात को आपको भिगोना है और फिर आपको सुबह उसको पीस लेना है और फिर उसके बाद मैं कुछ चीज़ें डाल रही हूँ उसमें, जैसे विटामिन ई की कैप्सूल डाल रही हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत ही इजी है, नेचुरल है और आपको बोटॉक्स और पार्लर का खर्चा नहीं होगा, बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा और ये आसानी से बन जाएगा। बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स है और अगर नहीं होंगे तो आप अरेंज कर सकते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 विटामिन ई की कैप्सूल डाली है मैंने इसके अंदर। ये जो सीरम है इससे आपकी डिले होगी और 10 साल तक आप अपनी एजिंग को रिंकल्स की लाइन से कम कर सकते हैं। और इसमें मैंने ग्लिसरीन 1 चम्मच मिलाई है। ऑयली स्किन है तो आप आधा चम्मच मिला सकते हैं। एलोवेरा मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें थोड़ा 1 चम्मच के करीब, तो थोड़ा सा एलोवेरा भी मिक्स करना है और सर्दियों में भी आप इसे लगा सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको घर पर मिलेंगी और कम खर्च में आपको ये बादाम से बना हुआ है, बादाम और अलसी से बना हुआ सीरम तैयार भी हो जाएगा। बादाम आपकी स्किन को लॉस्चर देता है और ग्लो देता है और अलसी में असेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 6, ओमेगा 3, नेचुरल कोलेजन होता है, कैरेटिन होता है, 18 टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, एजिंग को रोकता है अलसी भी। तो हमें रात को भिगोना है, सुबह पीसना है और कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। ग्लिसरीन 1 चम्मच मिलाया है मैंने इसमें। 4 विटामिन ई की कैप्सूल्स मिलाई हैं। विटामिन ई कैप्सूल से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब ग्लोइंग हो जाती है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्किन के लिए। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पेस्ट बन गया है। अब ये आप इसे पानी में भिगो सकते हैं, बादाम और अलसी को रोज़ वाटर के अंदर भिगो सकते हैं। और अब ये मैं इसे छान लूँगी, इसको इसमें ग्लिसरीन डालना आप ना भूलें, इससे ये काफ़ी दिन तक रह सकता है, मॉइस्चर को लॉक करता है। ये क्रीम रेडी हो गया और ये और एलोवेरा भी डालें जिससे कि स्किन हाइड्रेट होती है। और इसके बाद आप चाहें तो एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, खुशबू के लिए कोई सा भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं, टी ट्री ऑयल या कोई सा भी अवेलेबल हो आपके पास। तो मैंने अब छान लिया है इसको, तो ऐसा क्रीमी टेक्सचर का बन गया है सीरम। और ये जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी फेंकना नहीं है, इसमें भी आप कॉफ़ी मिक्स कर सकते हैं, कॉफ़ी और शुगर मिक्स करके अच्छा सा स्क्रब बना सकते हैं। तो ये आपका अलग से सीरम तैयार हो गया है, इसे फ्रिज में रख सकते हैं, काफ़ी दिन तक रह जाएगा और दिन रात लगा सकते हैं आप थोड़ा थोड़ा। और ये जो बच गया है इसमें आप कॉफ़ी मिक्स कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉफ़ी और थोड़ी सी शुगर मिक्स करके मैंने एक स्क्रब बना लिया है। और इस स्क्रब को आप अपने फेस पर, हाथों पर और गर्दन पर लगा सकते हैं, बहुत अच्छा स्क्रब तैयार हो गया है। इससे भी कॉफ़ी में ऑक्सीजन से आपकी स्किन में ऑक्सीजन